हेलो दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे पास है गरुड़ा जो कि मेड इन इंडिया ड्रोन है। तो हमारे पास ये पहला ऐसा ड्रोन है जो कि मेड इन इंडिया है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इसके दो वर्ज़न अवेलेबल हैं, एक बैग वर्ज़न है और एक बॉक्स वर्ज़न है। बाकी दोस्तों ड्रोन जो है वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल बैग और बॉक्स का ही अंतर इसमें देखने के लिए मिलता है। बाकी दोस्तों ये जो ड्रोन है ये इलेक्ट्रोबॉटिक की तरफ से आने वाले ड्रोन है और ये आपको electrobotic.in पर ही देखने के लिए मिलेंगे, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ये नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और लिंक के साथ आपको एक कूपन कोड भी दे दूंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी कम प्राइस में आप इसे परचेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आप इसके बॉक्स को देख लीजिए। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर डुअल कैमरा है इसमें, एक कैमरा इसका 1080 पिक्सल का है और दूसरा जो है वो 720 पिक्सल का कैमरा है। तो बाकी गरुड़ा इसका नाम है और इसके बॉक्स को अभी अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके बॉक्स पर काफ़ी सारे डिटेल दी गई है, जैसे कि यहाँ ऊपर की साइड में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं और नीचे की साइड में इसमें QR कोड दिए गए हैं जिसे स्कैन करके आप इसकी एप्लीकेशन को, जो इसकी कैमरा एप्लीकेशन होती है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका मॉडल नंबर है गरुड़ा 1080। तो इधर की साइड में आप देख सकते हैं इसके दो कलर आते हैं, ब्लैक कलर और वाइट कलर। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही कलर अवेलेबल हैं और दोनों ही मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे डिटेल इसके फंक्शंस के बारे में यहाँ पर दी गई है। बाकी दोस्तों इस ड्रोन में आपको ऑप्टिकल फ्लो पोजिशनिंग होल्ड मिल जाता है, डुअल कैमरा मिल जाता है 1080 पिक्सल प्लस 720p, वाइड एंगल इसका कैमरा है और 1800mAh की आपको एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। आप स्मार्टफोन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिमोट से नहीं करना है तो आप स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसमें VR मोड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, गेस्चर सेल्फी मोड देखने के लिए मिल जाता है, 360 फ्लिप भी ये करता है और फोल्डेबल इस ड्रोन का डिज़ाइन है। तो चलिए दोस्तों दोनों ही बॉक्स में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पहले वाले बॉक्स को ओपन करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग हमारे को देखने के लिए मिल जाती है इस बॉक्स के अंदर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बैग वाला वर्जन। तो बैग कुछ इस टाइप का होता है, बैग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब काफ़ी सही क्वालिटी बनाई गई है बैग की और काफ़ी अच्छे से इसमें फिक्स है। तो आप देख सकते हैं दोनों ड्रोन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे अपने बैग वाले वर्जन को। दोस्तों दोनों ही ड्रोन में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ड्रोन है, दोनों की एसेसरीज बिल्कुल सेम है, अंतर है तो केवल बैग और बॉक्स का। इसमें आपको बैग मिल जाता है और एक में आपको बॉक्स मिलता है। तो चलिए अभी बॉक्स वाले वर्जन को हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बैग वाले वर्जन की। तो सारी चीज़ें पहले मैं बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। सबसे पहले हमारे गरुड़ा का ये मैनुअल है। तो इस मैनुअल में सबसे खास चीज़ क्या है वो आप देख कर चौंक जाएंगे। तो पहले आप इसका मैनुअल देख लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए ये है वो चीज़, यहाँ पर आपको इस ड्रोन का जो मैनुअल है वो हिंदी में देखने के लिए मिलता है। आज तक मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी ड्रोन या टॉय भी नहीं देखा मैंने जिसका मैनुअल आपको हिंदी में मिले। तो यहाँ पर इसका जो मैनुअल है वो हिंदी में है, तो पढ़ के आप इजीली इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ ही बता दूंगा। तो चलिए अभी रखते हैं इस मैनुअल को साइड में। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, तो चलिए देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक पैकेट मिला है और कुछ भी नहीं है। तो इस पैकेट के अंदर कुछ एसेसरीज है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है हमें चार एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स, आपके ड्रोन में पहले से ही लगी हुई हैं, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं, अगर डैमेज हो जाती हैं तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि USB to Micro USB चार्जर है और दोस्तों इसी से आप अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीड है। आप देख सकते हैं चार्जर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाया हुआ है, इसकी केबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्क्रू ड्राइवर देखने के लिए मिल जाता है, इससे आप अपने ड्रोन की जो प्रॉपलर वगैरह है उसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको चार कैप्स देखने के लिए मिल जाती हैं। दोस्तों इन्हें आप अपनी ड्रोन की जो प्रॉपलर होती हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं जिससे इसकी लुकिंग जो है ड्रोन की काफ़ी अच्छी लगने लगती है। फिलहाल अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं, अभी मैं आपको इसकी बैटरी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बैटरी पे वैसे तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इसके मैनुअल में लिखा था इसकी जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट 1800mAh की है। और यहाँ पर इसमें चार्जिंग पोर्ट है, मैं आपको चार्जर इसमें लगा के दिखा देता हूँ आपको इसे चार्ज कैसे करना है। तो हमें जो चार्जर मिला है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है, जहाँ मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर लगाना है। और इसमें ऊपर की साइड यहाँ पर इंडिकेटर लाइट है जो कि रेड और ग्रीन कलर की जलती है,
जब आपकी जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगी तो वो रेड से ग्रीन हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो उसके बाद आप अपने ड्रोन में इस बैटरी को लगा सकते हैं, और ड्रोन में बैटरी लगाना बहुत ही ईजी है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप इसे लगा सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इस बैटरी को इसमें लगा सकते हैं। तो बैटरी हमारी अच्छी तरीके से इसमें इंस्टॉल हो गई। अभी मैं आपको इसके प्रॉपलर गार्ड्स दिखा देता हूँ। ये इसके प्रॉपलर गार्ड्स हैं। अगर आप ड्रोन को पहली बार फ्लाई करते हैं तो आप इनको लगाकर ही फ्लाई कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपलर वगैरह सेफ रहती है और ड्रोन इधर उधर टकराता है तो प्रॉपलर नहीं टूटती है। तो चलिए, इसकी जितनी भी एसेसरीज थी सारी की सारी मैंने आपको दिखा दी है। अभी एक काम करता हूँ, इसका रिमोट आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। दोस्तों, लुक वाइज बात करें तो रिमोट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। क्वालिटी वाइज बात करें तो काफ़ी भारी सा बनाया गया है। मतलब और भी ड्रोन के मैंने रिमोट देखे हैं वो बहुत ही हल्के से बने होते हैं, लेकिन इसका जो रिमोट है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं इसके एंटीनाज हैं, और इसमें दो जॉयस्टिक्स हैं। इसमें जो पहली वाली जॉयस्टिक है उससे आप ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट कर सकते हैं, और सेकेंड वाली से फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट। और यहाँ सारे ट्रिम बटन्स हैं, और इधर की साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको इंडिकेटर लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, और बीच में ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पर वन की टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये है वन की रिटर्न टू होम का बटन होता है ये है। बाकी सिक्स एक्सिस जायरो यहाँ पर है, और ऊपर की साइड में स्पीड के लिए और फ्लिप के लिए बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी पीछे की साइड में आप इसमें बैटरीज डाल सकते हैं, यहाँ पर इसमें बैटरीज डल जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नॉन चार्जेबल 3 बैटरीज हैं, और एक बार डालने पे कम से कम 4 से 5 महीने चल जाती हैं। तो मैंने इसमें बैटरी इंस्टॉल कर दी है, अब इसे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट वर्क करने लग जाती है, इसका मतलब है हमारा रिमोट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आपने रिमोट देख ही लिया है, तो अब ये काम करते हैं, इस रिमोट को रखते हैं साइड में और मैं आपको दिखा देता हूँ अब ड्रोन। तो दोस्तों ये जो ड्रोन है ये एक फोल्डेबल ड्रोन है, तो सबसे पहले मैं इसे अनफोल्ड कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं अनफोल्ड होने के बाद लुकिंग कुछ इस टाइप की इसकी आ जाती है। काफ़ी अच्छा ये लगता है ड्रोन लुकिंग वाइज में, मतलब एकदम कमाल का ये ड्रोन है। और ऊपर की साइड में इसमें गरुड़ा लिखा हुआ है, जैसे कि आपको हिंदी में लिखा हुआ जो है वो एक अलग ही लेवल का लुक देता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है देखने में। बाकी दोस्तों इस ड्रोन की जो प्रॉपलर है वो इतनी स्मूथ घूमती है कि कोई भी साउंड नहीं करती है। मतलब अदर ड्रोन अगर देखते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है, लेकिन इसकी प्रॉपलर काफ़ी स्मूथली तरीके से घूमती हैं। बाकी चलिए इसकी जो डार्ट्स हैं ऊपर की प्रॉपर डार्ट्स उसे लगा लेते हैं, क्योंकि उससे लुकिंग काफ़ी अच्छी आती है ड्रोन की, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो अब देख सकते हैं मैंने चारों डार्ट्स इसकी इसमें लगा दी हैं, और अब आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग कितनी अच्छी लग रही है। लुकिंग वाइज ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनाया गया है, और प्रॉपलर के ऊपर भी आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। बाकी दोस्तों ड्रोन तो और भी आते हैं और काफ़ी सही भी आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट ड्रोन यही लगा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रॉपलर क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया है तो क्वालिटी तो बेस्ट होगी ही। बाकी दोस्तों सामने की साइड में आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर लाइट्स लगाई गई हैं, जो कि इसके आइज टाइप की आपको दिखाई दे रही होंगी, और इसके नीचे ही इसका कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। आप इसे हैंड से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे में, तो देख सकते हैं। और इसके कैमरा के ऊपर एक फिल्म टाइप की कुछ चढ़ी हुई है, आप उसे उतार सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों इसका जो ये फ्रंट वाला कैमरा है ये 120 डिग्री वाइड एंगल में रिकॉर्डिंग करता है, और दोस्तों इसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो है 1080, तो ये वाला जो है 1080 पिक्सल में रिकॉर्डिंग करता है। और बाकी इसका जो सेकेंड कैमरा है वो इसके नीचे की साइड में है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका सेकेंड कैमरा लगा हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप नीचे का बॉटम का जो होता है उसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फ्रंट वाले से सामने की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे वाला 720 पिक्सल में रिकॉर्डिंग करता है। बाकी यहाँ इसका ऑन ऑफ का बटन, जैसे ही ऑन करते हैं सारे इंडिकेटर लाइट्स जल जाती हैं। लाइटिंग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मज़ा ही आ जाने वाला है आपको। देख सकते हैं दो ग्रीन और दो रेड, और सामने की साइड में आपको दो रेड मिल जाती हैं जो कि हेड में है। बाकी दोस्तों इस ड्रोन को आप नाइट में भी फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो नाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्लाई करने में। तो चलिए, अभी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसकी जो कैमरा ऐप है उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हम इसकी जो कैमरा फुटेज है उसे लाइव अपने मोबाइल पर देख पाएं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में QR स्कैनर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद इस कोड को आपको उस QR स्कैनर से स्कैन कर लेना है। तो देख सकते हैं स्कैन होने के बाद आपको एक प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर प्रेस करते ही आप सीधे प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, और यहाँ से VSFPV Pro को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से ही कर चुका हूँ तो मेरे में सीधा ओपन दिखा रहा है। आप VSFPV डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं एप्लीकेशन कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें कैलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, स्टार्ट दिखाई दे रहा है, सेटअप और इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपने ड्रोन को मोबाइल में कनेक्ट करना है और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका कैमरा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो ड्रोन जो है वो कनेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ मोबाइल में कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको फोटो के लिए ऑप्शन, वीडियो के लिए ऑप्शन और यहाँ पर आपकी वीडियोस चली जाती हैं जहाँ पर आप अपनी फुटेज रिकॉर्डिंग देख पाते हैं। यहाँ पर स्पीड कंट्रोल है और यहाँ पर आपको रोटेशन के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाता है। इससे आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं, आपको रिमोट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 360 फ्लिप है और बाकी यहाँ गेस्चर सेल्फी मोड है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी VR सपोर्टेड है, ये आपको VR ऑप्शन भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। 6x जायरो भी है। तो चलिए सारे ऑप्शन मैंने आपको लगभग दिखा दिए हैं मोबाइल में। अब ये काम करते हैं, अपने मोबाइल को हम लगा लेते हैं अपने रिमोट के मोबाइल होल्डर में। तो दोस्तों जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, आपको भी सिंपली ऐसे ही इसे लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से इसमें लग जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो रिमोट में लग चुका है और सब कुछ तैयार है। मोबाइल ऐप भी हमने इंस्टॉल कर ली है, ड्रोन भी तैयार है और रिमोट भी। तो ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका ड्रोन जो है वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, रिमोट को ऑन करना है। तो रिमोट को सबसे पहले आपको ऑन करना है और यहाँ पर रिमोट की फर्स्ट वाली जो जॉयस्टिक है उसे अप एंड डाउन करना है। इससे क्या होगा, आपका रिमोट जो है वो ड्रोन से कनेक्ट हो गया है क्योंकि लाइटें स्टेबल हो गई हैं। अब आपको कैमरा को कनेक्ट करना है अपने मोबाइल में। उसके लिए वाईफाई सेटिंग में जाना है और VSFPV प्रो को आपको कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसे ओपन कर लेना है VS Pro FPV को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VS FPV Pro यहाँ पर आ रही है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो मेरा कैमरा है, मतलब ड्रोन का जो कैमरा है, वो सीधा मेरे मोबाइल पे शो हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से शो हो रहा है, काफ़ी स्मूथ है। ऐसा लग रहा है कि ये 30 FPS ना होकर 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर रहा है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस है इसके कैमरा में, मतलब लैग वगैरह जो होता है, थोड़ा बहुत ग्लिच होता है इधर उधर, वो बिल्कुल भी नहीं है। झपक सी होती है वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्मूथनेस के साथ ये काम कर रहा है। और ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको रिमोट से नहीं फ्लाई करना है तो जैसे आप चाहें वैसे फ्लाई कर सकते हैं। बाकी 1 की टेक ऑफ का बटन है इसमें, नहीं तो स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट वाले जॉयस्टिक को ऊपर कर सकते हैं और अब आप जैसे ही जॉयस्टिक को ऊपर करेंगे ये फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दी हैं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है और कैसे करना है, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी दोस्तों अभी मैंने आपको बैग वाला पूरा वर्जन दिखा दिया है, अब आपको मैं बॉक्स वाला वर्जन और दिखा देता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम ड्रोन है, सारी चीज़ें सेम टू सेम है। केवल वो वाला ड्रोन जो है वो बॉक्स में आता है, वो सॉरी बैग में आता है, और ये वाला जो आता है बॉक्स के अंदर आता है। तो अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने इसकी बाहर निकाल ली हैं, बॉक्स की एक दो चीज़ें हैं वो भी निकाल लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम एसेसरीज भी आपको सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलती है, केवल बैग का ही अंतर आता है और वो वाला ड्रोन वाइट है और ये वाला ब्लैक आता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ड्रोन है ये अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, आपको electrobotic.in साइट से ही जाके परचेज करना होगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक को फॉलो करके डायरेक्ट आप electrobotic.in पे चले जाएंगे। वहाँ के लिए मैं आपको एक कूपन कोड भी दे दूंगा जिससे इसका जो प्राइस है काफ़ी डाउन हो जाएगा, मतलब आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी करना क्योंकि कूपन कोड मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, हो सकता है जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो कूपन कोड को अप्लाई करके आप इसे बहुत इजीली electrobotic.in से परचेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि electrobotic साइट जो है वो बहुत ही जेन्युइन है और वहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट में, मतलब जैसे कि आपको डिलीवर्ड होता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईजी रिटर्न है और आप कैंसिल भी कर सकते हैं ऑर्डर करने के बाद। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दोनों ही ड्रोन बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिए हैं, दोनों के दोनों सेम हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल कलर का और बॉक्स और बैग का ही अंतर है। तो चलिए दोस्तों अभी लेके चलते हैं इन्हें ग्राउंड में और करते हैं इनकी टेस्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और हमने अपने ड्रोन को यहाँ पर टेक ऑफ कर लिया है। तो स्टेबिलिटी तो आपको दिखाई दे ही रही होगी, बहुत ही ज़्यादा कमाल का फ्लाई कर रहा है ये। और बाकी जो इसमें आपको ऑप्टिकल पोजिशनिंग होल्ड देखने के लिए मिल जाता है तो उसकी वजह से ये एक जगह पर रुका रहता है, तो फ्लाई करने में अलग ही लेवल का मज़ा आता है। आप देख सकते हैं
कि कितनी अच्छी तरह से ये एक जगह पर रुका हुआ है। और मैं इस रिमोट से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एक जगह फिक्स हाइट और फिक्स जगह है इसकी, आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहा है जब तक मैं इसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसे कि ये रुका हुआ है। तो फ्लाइंग इसकी बहुत ही कमाल की है, मज़ा आ गया मुझको इसके फ्लाई करके। स्टेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। बाकी दोस्तों इसमें जो है आपको 6x जायरो भी मिल जाता है और पोजिशनिंग होल्ड भी मिल जाता है, और उसी के साथ साथ आपको 1G टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी मिल जाता है, या डायरेक्ट आप की से भी इसे टेक ऑफ करा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आप चाहें तो मोबाइल से भी फ्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो रिमोट से भी फ्लाई कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। अगर आपका रिमोट बाई चांस ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, काम नहीं करता है, तब आप इसे मोबाइल से भी फ्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अभी इसे आपको अलग अलग तरीके से फ्लाई करके दिखा रहा हूँ। नीचे फ्लाई किया मैंने, सामने फ्लाई किया, अभी इसे ऊंचाई पे भी फ्लाई करूँगा, हर जगह पर इसे टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो मैंने इसे हर जगह पर टेस्ट किया, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई, मतलब हर तरीके से ये बेस्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लाई कर लेता है और कोई भी दिक्कत फ्लाइंग से रिलेटेड तो मेरे हिसाब से है नहीं इसमें। फ्लाइंग इसकी बहुत ही कमाल की है। बाकी दोस्तों बात करें इसकी बैटरी की, तो रिमोट जो है उसमें तो नॉन चार्जेबल या चार्जेबल जो आपके पास बैटरी होती है वो आप डाल ही लेते हैं। और बात करें इसकी ड्रोन की बैटरी की, तो ड्रोन की जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट 1800 mAh की बैटरी है, और उसको चार्ज करने में आपको 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद आप 12 से 15 मिनट अपने ड्रोन को लगातार फ्लाई कर सकते हैं, यानी 12 से 15 मिनट इसका प्ले टाइम है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्ले टाइम है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों अगर इसकी जगह किसी दूसरे ड्रोन की बात करते हैं जिसमें 3.7 वोल्ट 1800 mAh की बैटरी होती है, तो वो चार्ज होने में कम से कम 40 से 50 मिनट लेती है, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो 25 से 30 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाती है और प्ले टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज की। तो जैसे कि इसकी जो रिमोट है वो आपको 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी में मिलता है, जैसे कि सारे ही ड्रोन 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी में आते हैं, कुछ 5.8 GHz की फ्रिक्वेंसी में भी आते हैं, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किलोमीटर्स में होती है, लेकिन 2.4 GHz की रेंज भी कम नहीं होती है। यहाँ पर आपको लगभग 100 मीटर की रेंज इस ड्रोन की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी बड़े ग्राउंड में आप इजीली बहुत दूर तक इसे फ्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ना ही मैंने भी इसे काफ़ी टेस्ट किया रेंज में, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर दोस्तों इस ड्रोन में आपको 3 स्पीड मोड मिल जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्पीड मोड में अभी तक आपने देखा कि कितना स्लो और स्टेबिलिटी के साथ ये फ्लाई कर रहा था। अब मैं इसे सेकंड स्पीड मोड में डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये है सेकंड स्पीड मोड, इसमें ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड में आगे पीछे जाता है, लेकिन इसमें आप कैमरा फुटेज उतनी अच्छी नहीं ले पाते हैं, लेकिन स्पीड का फ़ायदा उठाकर आप तेज़ हवा में भी बहुत अच्छे से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों 3 स्पीड मोड जो है इसका वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, तो अभी मैं इसका 3 स्पीड मोड भी आपको दिखा देता हूँ। 3 स्पीड मोड में इतना तेज फ्लाई करता है कि मज़ा ही आ जाता है देखने में। तो अभी चलिए इसे 3 स्पीड मोड में डाल लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने ये 3 स्पीड मोड में डाल दिया है, अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका स्पीड मोड फर्स्ट हो, इसका स्पीड मोड 2 हो या 3 हो, तीनों ही स्पीड मोड बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाता है ड्रोन। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके कैमरा का यूज़ करते हैं, मतलब इससे अगर वीडियो वगैरह बनाते हैं या फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो फिर स्पीड मोड फर्स्ट में ही से रखिएगा, क्योंकि उसमें ही इसकी जो फुटेज है थोड़ी स्टेबल आती है, नहीं तो 3 स्पीड मोड में तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फुटेज आती है। वो मैं सब आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन से स्पीड मोड में कैसी फुटेज आती है। बाकी दोस्तों मैंने इसकी लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं रहा है। ओवरऑल अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एकदम ही कमाल की है इसकी। अभी तक मैंने जितने ड्रोन फ्लाई किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसे ही फ्लाई करने में आया है, क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो बहुत ही स्टेबल है। अगर आप इसे स्पीड मोड में फ्लाई करते हैं तो ये बहुत ही तेज़ फ्लाई करता है, लेकिन उसमें भी इसका कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि ये गिरता वगैरह नहीं है। हाँ, गलती से मेरे से एक बार ये टकरा गया था, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कैसे टकराया। मैंने ज़्यादा नीचे फ्लाई किया तो पेड़ में टकरा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ड्रोन प्रॉपरली फ्लाई कर रहा था। बाकी दोस्तों अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये ड्रोन अच्छा लगता है और आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो electrobotic.in साइट पे ये आपको मिल जाएगा, और वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक को फॉलो करके सीधा साइट पे जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कूपन कोड भी दिया हुआ है,
जिसका यूज़ करके आप इस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और इसको परचेज कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा ड्रोन है, मेरे हिसाब से तो आपको परचेज करना चाहिए, और वैसे भी मेड इन इंडिया ड्रोन है तो आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंडिया की चीज़ें कैसी बनी होती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कैमरा फुटेज, तो यहाँ पर जो है ये इसकी फर्स्ट स्पीड मोड में कैमरा फुटेज है जो कि काफ़ी सही दिख रही है। और यहाँ पर ये जो फुटेज है ये इसके फ्रंट कैमरा से है जो कि 1080 पिक्सल में रिकॉर्डिंग करता है। ये तो वाईफाई के थ्रू थोड़ी सी जो फुटेज होती है वो ब्लरी आ जाती है, लेकिन फिर भी कैमरा फुटेज मुझे इसकी काफ़ी सही लगी है, क्योंकि स्टेबिलिटी कैमरा की काफ़ी सही है, क्योंकि ड्रोन स्टेबल है तो यार कैमरा तो स्टेबल होगा ही। बाकी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेकेंड स्पीड मोड में फ्लाई फुटेज। तो अभी आप देख सकते हैं ये है इसका सेकेंड स्पीड मोड में फ्लाई फुटेज, जो कि मुझे ये भी काफ़ी सही लगा है और काफ़ी बढ़िया भी लगा है। फुटेज में ज़्यादा लैग नहीं है, हालांकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाई किया हुआ है, मतलब मेरे से काफ़ी दूर है, फिर भी मुझे इसकी फुटेज में कोई लैग नज़र नहीं आया है। बाकी दोस्तों आप फुटेज देख सकते हैं, फुटेज की क्वालिटी मतलब एवरेज है, बहुत अच्छी भी नहीं है, आप वीडियोग्राफी कर लें इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सही लगी। तो चलिए चलते हैं थ्री स्पीड मोड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका थर्ड स्पीड मोड, इसमें जब ये ज़्यादा तेज़ फ्लाई करता है तो फुटेज में कहीं कहीं आपको छोटे छोटे लैग देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि लैग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये ड्रोन एक सेकंड में बहुत दूर निकल जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा तेज़ चलता है तो वीडियो ट्रांसमिशन में वैसे भी दिक्कत आ सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है और फुटेज भी काफ़ी बढ़िया ले रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप इसे फर्स्ट स्पीड मोड में ही फ्लाई कीजिए हमेशा, अगर ज़्यादा तेज़ हवा है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो आप इसे फर्स्ट स्पीड मोड में ही फ्लाई कीजिए, उसमें ये बहुत ही अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लाई करता है, उसमें फ्लाई करने में भी बहुत मज़ा आता है और ऊपर से कैमरा फुटेज भी अच्छी खासी आ जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।